नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। वाराणसी में सनातन रक्षक दल ने मंगलवार को 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी। दल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सनातन मंदिर में सनातन देवी देवता होने चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा ये लोग काशी का माहौल खराब कर रहे हैं। साईं बाबा की कुछ मूर्तियों को गंगा में विसर्जित किया गया और कुछ को उनके मंदिरों में पहुंचाया जा रहा है। सनातन रक्षक दल ने अभी 100 और मंदिरों की लिस्ट बनाई है। 3 दिन पहले शहर के सबसे प्रमुख बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटाकर गंगा में विसर्जित किया गया था। पुरुषोत्तम मंदिर से भी मूर्ति हटाई जा चुकी है। इसके अलावा कई मंदिरों में मूर्तियों को सफेद कपड़े में लपेट कर रख दिया गया है। इस अभियान का आगाज शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती ने किया था। अब सनातन रक्षक दल इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। बड़ा गणेश मंदिर के पास रहने वाले बुजुर्गों ने कहा, आज हमने देखा साईं बाबा की मूर्ति यहाँ से हटा दी गई थी। अगर सनातन मंदिर में साईं की मूर्ति से आपत्ति थी तो उसे लगाना ही नहीं चाहिए था। अगर लगा दिया तो उसे सम्मान से हटाते। इस तरह गलियों में मूर्ति के टुकड़े फेंक देना उचित नहीं है। हालांकि टुकड़े मूर्ति के नहीं बल्कि सिंहासन से जुड़े हैं। एक और बुजुर्ग ने कहा, इस तरह मूर्तियों को लगाकर उन्हें हटा देना गलत है। रविवार को बड़ी संख्या में सनातन रक्षक दल के सदस्य लोटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर पहुंचे थे। यह ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ रोज हजारों भक्त की भीड़ रहती है। मंदिर परिसर में 5 फीट की साईं मूर्ति भी स्थापित थी। सनातन रक्षक दल के सदस्य यहां से साईं की मूर्ति को कपड़े में लपेट कर ले गए और गंगा में विसर्जित कर दिया। एमएलसी और सपा नेता आशुतोष सिन्हा ने कहा, बनारस आस्था का केंद्र है, आजकल नई नई बातें सुनने को मिल रही है। इससे पहले लगातार पूजा होती रही है। मैं किसी धर्म या भगवान पर टिप्पणी नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज बनारस की मुख्य समस्या सीवर पानी है, गंगा के प्रदूषण पर बात नहीं हो रही। विकास के नाम पर यहाँ 50 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, इस पर चर्चा नहीं हुई। आखिर कब तक ऐसे मंदिर, मस्जिद, भगवान और साईं बाबा पर बात होगी? पढ़ाई लिखाई, बनारस की तरक्की और रोजगार पर बात होनी चाहिए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के।